नमस्कार, मेरा दोस्तों स्वागत है नए फ्रेश एपिसोड में। इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड से अपना रेंट कैसे भरना है, या किसी के अकाउंट में पैसा कैसे भेजना है, या अपने अकाउंट में पैसे कैसे लेना है। यस, ये सारा वीडियो को एक ही कॉम्बिनेशन में आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको लोन लेना है बिना आपकी सैलरी स्लिप से, ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना, तो प्लीज़ आई बटन पे एक लिंक है वो देख लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं हम वीडियो की ओर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड से आपको नॉर्मली आप अपने अकाउंट में ऐड नहीं कर पाते थे, या कहीं भी वॉलेट में ऐड नहीं कर पाते थे, किसी के अकाउंट में नहीं भेजना पाते थे। आप हमेशा या तो स्वाइप कर सकते हो कहीं पे भी दुकानों में, या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ऐसे दो तीन चीज़ें वो सर्टनली एक जगह पर रुक जाते थे, बट अब क्रेडिट कार्ड को आप अपने अकाउंट में भी पैसा ले सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया था। तो कैसे करना है वीडियो पे आ जाता है। सबसे पहले आपको पेटीएम ओपन करना है। पेटीएम ओपन करने के बाद आपको ऑल सर्विस में आना है, और यहाँ पे देख सकते हैं रिचार्ज एंड पे द बिल करके ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो रेंट पेमेंट है, यस रेंट पेमेंट का ऑप्शन से ही आप थोड़ा सा ना दिमाग को अपने कन्वर्ट करके अब अपने बहुत अच्छे से इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो। जैसे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ चार्जेस तो होंगे। यहाँ जस्ट प्रोसीड करना है। प्रोसीड पे दबाते ही आपको जस्ट यहाँ पर अकाउंट नंबर ऐड करना है, जिसको भी आपको देना है। अगर आपको अपने अकाउंट में देना है तो अपने अकाउंट का ऐड कर लीजिए, अगर आपको आपको रेंट वाले को देना है रेंट वाले का ऐड कर लीजिए, किसी और को भी देना है उसका अकाउंट ऐड कर लीजिए। जस्ट यहाँ पे जस्ट प्रोसीड करूँगा। IFC जो भी नॉट नो डिटेल्स होते हैं, अकाउंट नंबर हो गया, नाम होगा, IFC हो गया, उसके बाद फिर से आपको अकाउंट नंबर कन्फर्मेशन के लिए पूछता है। जस्ट ये आपके स्टेप्स है कि आप गलत अकाउंट नंबर ना भेजें। तो यहाँ पे जस्ट कर दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए। जस्ट नॉर्मल आप यहाँ पे आने के बाद, जस्ट प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट देख लीजिए। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको 20 रुपीज़ का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं करूँगा, यहाँ पे जस्ट देख सकते जो पेमेंट वाला जो ऑप्शन आता है ना, मल्टीपल वाला, वो ऑप्शन आ दिख रहा है। यहाँ पे आप नीचे आने के बाद देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, और यहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, किसी को भी अपने अकाउंट में भी ले सकते हो। बट हाँ, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए, याद रखिएगा। क्रेडिट कार्ड पैसे ही नहीं है, आपने पूरा यूज़ कर लिया और आप पैसे भेज रहे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपके अकाउंट में यानी क्रेडिट कार्ड वाले अकाउंट में ना कुछ बैलेंस होने चाहिए, तभी आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये सब हो जाएगा, जस्ट आपको अमाउंट क्रेडिट कार्ड, जैसे देख सकते हैं मेरा पहले से क्रेडिट कार्ड एडेड है, तो इसमें यहाँ पे अपना CVV नंबर एंटर करूँगा, प्रोसीड टू पे करूँगा जैसे नॉर्मल पेमेंट होता है, और वो लास्ट में पेमेंट हो जाएगा। यानी आप क्रेडिट कार्ड से किसी के अकाउंट में या अपने अकाउंट में, और ये किसी भी, अब यहाँ पे चार्जेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो 20 रुपये में ये है। अगर मैं 20,000 का ट्रांजेक्शन का देखूँ तो वो 3,330 रुपये तक हो जाएगा अप्रॉक्सली। तो चार्जेस तो है, बट ठीक है यार, मतलब आपको अगर क्रेडिट में चाहिए, अगर आपको कभी कभी क्या होता है ऐसा टाइम आ जाता है आपको दूसरों से मांगना पड़ता है, बट आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है। अक्सर मैंने देखा है क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं कि हाँ भाई कुछ चार्जेस है हम दे देते हैं वहाँ से, बट उसको ज़रूरत ही नहीं है ना, अब यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, चार्जेस थोड़े कम ही है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। कोई ना कोई आंसर सबको पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है। और मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।